मैं शुक्ला देसी रसोईयन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और भाई कान पकड़ के सॉरी, इतने दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। और जो लोग मेरे यूट्यूब पे कुछ फ्रेंड हैं जो मेरे अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, और वो लोग परेशान हो रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पर इतना कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं आप इस टाइम दिखाई दे रहे हो और किस लिए ब्लॉग नहीं बना रहे हो, क्या बात है, आप क्यों यूट्यूब से इतने दिन से गायब हो। जैसे कि होली से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। और जो लोग YouTube मेरी फ्रेंड हैं, बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जो YouTube पे मुझे मिले हैं, तो मेरी फ्रेंड लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रही हैं, और मैंने उनका भी मतलब कोई भी Instagram पर भी फ़ोन नहीं रिसीव किया है। उन लोगों से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि इस बीच में कुछ ऐसी बातें थी कि जिससे मन ही नहीं हो रहा था किसी से बात बात करने के लिए। लेकिन अब मैं सबसे कान पकड़ के पहले तो सॉरी बोल रही हूँ, नीरज दीदी सॉरी, और मनीषा सिस्टर आपको भी सॉरी जो मैं आप लोगों से नहीं बात कर पाई, और फिल्मी भाई आपसे भी कान पकड़ के सॉरी। फिल्मी भाई भी मेरा बहुत ध्यान रखे, 3-4 बार मेरे पास कॉल किए लेकिन मैं नहीं उठा पाई, सॉरी फिल्मी भाई, सॉरी मनीषा सिस्टर, सॉरी नीरज सिस्टर। तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब थी इस वजह से फ़ोन किसी से न कर रही थी मैं, बिल्कुल यूट्यूब से गायब हो गई थी। मेरी मौसी ने लखनऊ से वीडियो बना बना के मेरे पास भेजी थी, उसकी ये देखो कैसे जूठा करके मुझे जूठा मत डालो, तो वो डर गई वो भी, तो वो लखनऊ से वीडियो बना बना के गाने की मेरे पास शेयर कर रही थी मेरे व्हाट्सएप पे, जिससे मैं वीडियो बना के डाल दे रही थी। बाकी मैं यूट्यूब से सही में थोड़ी देर के लिए एकदम से मेरा बिल्कुल माइंड हट गया था, और मेरा काम करने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था। और अब मैं YouTube पे आज से वापस आ गई हूँ, और ये ब्लॉग मेरा कल जाएगा, और उम्मीद करती हूँ मेरे ब्लॉग को आप लोग प्यार दोगे और खूब सारा सपोर्ट करोगे। तो चलिए आगे और रूटीन दिखाती हूँ मैं क्या क्या आज कर रही हूँ, और कल हम लोग अपने व्रत खोलेंगे, कल हम पारण करेंगे यानी कल कन्या खाएंगे हमारे यहाँ, तो वो सब भी रूटीन आपसे चेक करूँगी। और आइए आप भी लस्सी पी लीजिए, ये देखिए ये हाँ, और गला बिल्कुल सूख रहा है, तो चलिए ठीक है फिर मिलती हूँ बाद में, आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए, बहुत टेस्टी भूमि ने बनाया है लस्सी। और ये गिलास देख रहे हो ना कितना छोटा सा है, इसमें सिर्फ आधा लीटर पानी या दूध आता मजाक कर रही हूँ, मेरी मम्मी ने दिया है। पर देख लीजिए भाभ्या जो है क्ले से शंकर भगवान बनाई है, ये देखिए कितना सुंदर बनाई है ये आप लोग, एक मिनट हाथ में उठा के दिखा रही हूँ, देखिए क्ले है फॉर्म वाला क्ले जो आता है, ये पता नहीं दिख ही नहीं रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ये देखिए छोटा सा बनाई, ये शिवलिंग बनाई है शंकर भगवान जी की, अभी चप्पल भी बना रहा है शंकर भगवान जी की। शंकर भगवान जी चप्पल नहीं पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं। खड़ाऊ मतलब आप नहीं समझोगे, खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल होती है। तो देख लीजिए भैया हमारा ये घड़ी में बज गया है 5:30 हो रहे हैं, और घर मैंने थोड़ा सा वैसा कर दिया है साफ सुफ, चलो झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, और कपड़े देखिए सुखाने के लिए रखे हुए हैं, और यहाँ पर चना रखा हुआ है, पानी डाल देती हूँ इसमें, और मैंने अपने लिए देखिए थोड़ा सा भिगा दिया है साबूदाना, ये शाम को इसकी खिचड़ी बना लूँगी, ये देखिए कितना एक एक दाना, ये देखिए हाथ में कहीं सही तो बनता है, ये देखिए हाथ में कहीं नहीं चिपक रहा है, देख रहे हैं ये देखिए तो ये देखिए खड़ाऊ बना के लेके आई हाँ खड़ाऊ ऐसे ही बनता है, वाह बहुत सुंदर बनाया बेटा ये देखिए। तो दोस्तों आप सब लोग भी बताइएगा मैं कैसा बनाती हूँ। हाँ दोस्त जरूर बताएंगे, ये देखिए ये मैं शाम को बनाऊंगी, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगी, इसमें बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब झाड़ू लगा लूँ मैं, बाहर देखिए अभी कितनी धूप है, ये देखिए कितनी धूप है, बज रहा है शाम को हो रहे हैं 8 बज रहे हैं, पानी की कुछ बोतल भर के रख दी है, और यहाँ पर मेरा सब कार्यक्रम चल रहा है, ये व्रत का तेल है, व्रत का नमक है, पानी पीने वाला है, और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है चलिए दिखा देती हूँ, ये भी व्रत का ही एक हिस्सा है, ये साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, गैस चालू है और सिंपल सी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन भी नहीं है, खाली बच्चों की वजह से बना रही हूँ। और चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है, यहाँ देखिए भूमि बना रही है, क्या बना रहे हो भूमि, ह्यूमन ब्रेन है,
इंसानों का दिमाग, इंसान का दिमाग बना रही है। मेरा दिमाग खाती है और कॉपी पे बनाती है। ये देखो, ये देख देख के बना रही है। इसमें से इनको कोई काम मिला है, वही बना रही है साइंस का। और भाभी आप क्या पढ़ रहे हो, दिखाओ। भाभी पढ़ा रही है। भाभी ये पढ़ रही है, क्या है? और अभी सबसे पहले हम तो यहाँ पर देख लीजिए, इच्छा आ गई थी अपनी न्यू ड्रेस लेके। इच्छा के यहाँ शादी है तो तिलक में पहनने के लिए देखिए कपड़े लेके आई थी, और काफ़ी प्यारे इसके कपड़े थे। बेल बॉटम वाली पैंट थी और टॉप थे दो, काफ़ी अच्छे कलर थे और बहुत ही अच्छे इसके कपड़े लग रहे थे इच्छा का। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।